आए दिन मुख्य मार्गों पर वीवीआईपी मूवमेंट से परेशान राजधानी जयपुर के लोगों ने इस खबर से जरूर राहत महसूस की होगी कि अब मुख्यमंत्री की वजह से आम आदमी का ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा। बुधवार को ही रेड लाइट सिग्नल होते ही अपने काफिले को चौराहे पर रुकवाकर सीएम भजनलाल शर्मा ने इस पहल को अमली जामा पहना भी दिया। मुख्यमंत्री को वीवीआईपी मूवमेंट के कारण बने यातायात जाम में फंसी एम्बुलेंस में करहाते मरीजों की खबरों ने भी विचलित जरूर किया होगा और उनके इस कदम की सब ओर सराहना हो रही है, होनी भी चाहिए। लेकिन लोगों के मन में सवाल भी है कि चाक चौबंद सुरक्षा बंदोबस्तों के बीच रहने की मजबूरी क्या सीएम को इस तरह आम आदमियों की तरह रहने देगी। सवाल ये भी कि क्या महज इस कदम से शहर का बेतरतीब यातायात दुरुस्त हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आए दिन राजधानी में हवाई मार्ग से उतरने वाले अति विशिष्ट जनों के आवागमन के दौरान त्रस्त होने वाली जनता राहत महसूस कर पाएगी। इन तमाम सवालों के बीच बड़ा सवाल ये है कि जनता के सीएम जैसा ये बर्ताव क्या मंत्रिपरिषद के दूसरे सदस्य व आला अफसर भी कर सकेंगे। जब इस तरह के सवाल खड़े होते हैं तो बात बात पर शहर में चौराहों की रस्ताबंदी करने वाली पुलिस की कार्यशैली भी जरूर याद आती है। चौराहों पर घंटों पहले वाहनों की ही नहीं राहगीरों तक की आवाजाही रोक देने वाली पुलिस को कम से कम इतना प्रशिक्षण जरूर दिया जाना चाहिए कि अति आवश्यक हो तब ही एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक यातायात बाधित किया जाए। ये इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और दूसरे विशिष्ट लोगों का आने वाले लोकसभा चुनावों में नियमित आवागमन होना तय है। देखने में आता है कि वीवीआईपी के हवाई अड्डे पर उतरने के साथ ही लोगों की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। घंटों चौराहे पर खड़े रहने की मजबूरी में लोगों का समय तो खराब होता ही है, प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती दिखती है। ऐसे में आखिर राजधानी को क्यों नहीं कोटा शहर की तरह ट्रैफिक सिग्नल मुक्त शहर बनाया जाता, आखिर क्यों नहीं लेन सिस्टम को लागू किया जाता और आखिर क्यों नहीं मुख्य मार्गों पर जगह जगह छोड़े गए रोड कट कम किए जाते। ये ऐसे सवाल हैं जो यातायात प्रबंधन से जुड़े हैं, लेकिन जहां बरसों तक ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठकों का ही अता पता नहीं हो वहां भला कौन परवाह करे। हमारे अधिकांश जनप्रतिनिधि चुनावों के पहले तक आम होते हैं और चुनाव जीतते ही खास बनने लगते हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल में भी एक कैबिनेट मंत्री ने जोर शोर से ऐलान किया था कि वो सचिवालय आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा उन्होंने किया भी, लेकिन रस्मी तौर पर। सबने देखा कि बाद में मंत्री की इस पहल को हवा होते देर नहीं लगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने संकल्प को सभी पहलुओं को ध्यान में लेने के बाद ही अमल में लाने की सोची होगी। अब खुद को जनता से जोड़कर किए जाने वाले ऐसे फैसले होने पर निश्चित ही जनता सीएम को खुद के नजदीक महसूस करती है। लेकिन महज इस फैसले से ही शहर में यातायात जाम की समस्या का समाधान हो सकेगा ऐसा लगता नहीं। दरअसल राजधानी ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी बड़े शहरों में प्रमुख समस्या सार्वजनिक परिवहन साधनों की कमी की है। जयपुर सहित तमाम दूसरे बड़े शहरों का कोसों विस्तार हो गया, लेकिन जनता को गंतव्य तक पहुंचने के साधन ही उपलब्ध नहीं होते। मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में ही सैकड़ों कॉलोनियां ऐसी हैं जहां कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने ही साधन से पहुंच सकता है। ऐसे में सड़कों पर वाहनों की रेलम पेल भला कैसे थमेगी। राजस्थान पत्रिका ने पिछले दिनों जनता से जुड़े इस दर्द को समझते हुए अभियान भी चलाया। राहत के काम हुए भी, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो यातायात नियमों का पालन तो सख्ती से कराए ही सड़कों को भी सुरक्षित बनाने के प्रयास भी करे।